वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। वी ऑल वेलकम यू टू एसएसटी एडुपीडिया, अ प्लेस वेयर यू विल फाइंड ऑल द वीडियोस रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स एज वेल एज योर स्टैंडर्ड। सो गाइस, वी विल बी स्टार्टिंग विद मैथ्स कॉमर्स पेपर 2, चैप्टर नंबर 7, असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज असाइनमेंट एंड सेकंड वन इज सीक्वेंसिंग। तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ओके। तो असाइनमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय असाइनमेंट? असाइनमेंट मतलब क्या होता है कि व्हेनेवर यू सेट अप अ फैक्ट्री, यू विल बी हैविंग अ मेनी वर्कर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एज वेल एज यू विल बी हैविंग अ लेबर। तो आप कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे एंड कॉस्ट को रिड्यूस करोगे यूजिंग सम प्रिंसिपल। तो दिस असाइनमेंट इज बेसिक ऑफ दैट। असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली डील्स विद एलोकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज टू वेरियस एक्टिविटीज ऑन वन टू वन बेसिस, मींस व्हिच एक्टिविटी वुड बी डन बाय व्हिच पर्सन एंड व्हाट वुड बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट। Similarly, what is being done for this? The main reason for this is to lower the total cost and time involved in the procedure. So for this, we are having assignment. So assignment procedure. So basically, assignment procedure is being solved on the Hungarian model. Hungarian model. In Hungarian model, we first construct the cost matrix, which has been given. If there is, if the matrix is basically provided to you, if matrix is not given, then we construct the matrix. After that, we have a row reduction. After that, we have a column reduction. Row reduction means we horizontally reduce the values. In column reduction, we vertically reduce the values. After that, we will draw the minimum number of lines covering the zero. Covering the zero. If all the lines, you will find some condition. If the number of the lines is equals to number of is equals to rank of the matrix, then the sum is completed, we can do the assignment. But if it is not so the case, then we have to run a complete different path. After that, again and again we will completely check the things ki whether the assignment is equal or not. मतलब क्या होगा बता रहा हूं मैं आपको। हर बार आप क्या करोगे, ये चेक करोगे कि जो नंबर ऑफ लाइन्स बन रही है और जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, whether it is same or not. अगर सेम है तो आप आगे बढ़ोगे और डायरेक्ट असाइनमेंट की तरफ बढ़ोगे, बट अगर सेम नहीं है तो आपको एक प्रोसीजर होता है, उसको बार बार रन करना पड़ेगा अनलेस एंड अंटिल आपका रैंक और नंबर ऑफ लाइंस जीरो से जो पास होती है वो सेम बनती है कि नहीं। तो ये हंगेरियन मॉडल है, इसी मॉडल के ऊपर हम लोग हमारे सम्स करने वाले हैं, ओके। तो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में दो तरह के सम्स होते हैं, एक मिनिमाइज और एक मैक्सिमाइज। तो मैं ये दोनों तरह के सम्स आपको करा दे रहा हूं। पहले हम मिनिमाइज वाला सम्स करेंगे, बिकॉज हम लोग का जो मेन ये इसका काम होता है असाइनमेंट का, वो मिनिमाइजेशन ही होता है। मिनिमाइजेशन ऑफ द टोटल कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्व एज वेल एज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट। तो एक्सरसाइज 7.1, यू कैन रीड द क्वेश्चन। अ जॉब प्रोडक्शन यूनिट हैज फोर जॉब्स ए बी सी डी व्हिच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वन ऑफ द फोर मशीन्स पी क्यू आर एस। द प्रोसेसिंग कॉस्ट, द कॉस्ट इज बीइंग गिवन फॉर ईच जॉब फॉर अ मशीन इज टू बी गिवन द फॉलोइंग। कभी कभी क्या होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज मेंशन होता है, बट बहुत सारे टाइम पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज मेंशन नहीं होता है। तो आपका अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि जब भी कॉस्ट की बात करेगा तो मैक्सिमाइज तो होता नहीं कॉस्ट, कोई अपने कॉस्ट प्रोडक्शन को तो मैक्सिमाइज नहीं करना चाहता है, कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करना चाहता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। तो जहां वर्ड यूज करेगा कॉस्ट, तो यू शुड गेट की देयर इज टॉकिंग अबाउट मिनिमाइजेशन। तो ऑप्टिकल असाइनमेंट करना है, यहां पे ये आपको सम दिया हुआ है, जहां पे एबीसीडी हमारे जॉब से, पी क्यू आर एस हमारी मशीन से, और ये जो टाइम दिया हुआ है प्रोसेसिंग कॉस्ट है। जैसे पी ए, अगर पी में मशीन में आप सेट करोगे तो 31 रुपीज लगता है, वही क्यू में लगोगे 25, आर में लगोगे 33, एस में लगेगा 29। आप ओरली बोलोगे सर एक काम करो ना, क्यू में ए चलाओ, और आप देखोगे क्यू में ए चला दोगे तो नीचे आप सी में चेक करोगे या डी बी में भी चेक करोगे तो क्यू में ही मिनिमाइज है। तो हम लोग ऐसे ओरली नहीं कर सकते, हमें इसीलिए एक पूरा प्रोसीजर सेटअप करना है कि किसको क्या काम दूंगा तो मेरा काम बहुत सस्ते में निपटेगा और बहुत फायदा मेरे को मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली योर असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में पहला पहला हमने क्या बोला था, रो रिडक्शन करना है। स्टेप वन इज योर रिडक्शन ऑफ द रो। रिडक्शन रो करने के लिए हर रो का मिनिमम वैल्यू आप पता कीजिए, जो भी सबसे कम वैल्यू होता है वो वैल्यू पता कीजिए और वो उस रो के हर वैल्यू से माइनस कर दीजिए। मतलब क्या, यहां पे एग्जांपल फर्स्ट रो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रो में आपको मिनिमम वैल्यू मिला था 2, तो आपने उसको हर एक के साथ माइनस किया, तो पहले वाला 0, 8, 4, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू मिला आपको 4, वहां से आपने सब माइनस किया तो 4, 3, 2, 0 बन जाता है। नेक्स्ट सी में भी आप सबसे लोएस्ट वैल्यू ढूंढते हो, उसके बाद आपने उसको हर एक से माइनस किया एंड आपको वो वैल्यू मिल जाता है। सिमिलरली डी, तो दिस इज बेसिकली वी कॉल इट रो मिनिमाइजेशन, जहां पे आप हर एक रो की मिनिमम वैल्यू निकालते हो एंड यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द वैल्यूज दैट आर प्रेजेंट इन द रोस। सिमिलरली आपको कॉलम मिनिमाइजेशन करना है। कॉलम मिनिमाइजेशन, हर एक कॉलम में से मिनिमम वैल्यू, अगर आप टेबल में देखेंगे तो पी वाला जो कॉलम है
उसके अंदर आपको मिनिमम वैल्यू दिख रही है जीरो, तो जब आप सबको जीरो से माइनस करोगे तो सिक्स माइनस जीरो सिक्स, फोर माइनस जीरो फोर, जीरो माइनस जीरो जीरो, फोर माइनस जीरो फोर, मतलब बेसिकली अगर जीरो मिनिमम है तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर सभी रो कॉलम्स में वैल्यू जीरो मौजूद है तो आपको कॉलम मिनिमाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट स्टेप थ्री, आप क्या करोगे, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओगे। तो अगर आप फर्स्ट लाइन में बना रहे हो, देखो तो यहां पे आपको दो लाइंस दिख रही है, बी में आप बना रहे हो आपको एक लाइन दिख रहा है, सी में आप बना रहे हो आपको एक लाइन दिख रहा है, दो लाइन दिख रही है, डी में आप बना रहे हो एक लाइन दिख रहा है। सिमिलरली आप एसआर लाइंस बना दोगे, तो अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ लाइंस, नेक्स्ट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो नंबर ऑफ लाइंस है, हम लोग बोलते हैं स्टेप थ्री में मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग ऑल जीरोस आर फोर एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू अस इट इज आल्सो फोर, तो देयरफॉर एज रो नंबर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स देयरफॉर द असाइनमेंट इज ऑप्टिमाइज्ड, द असाइनमेंट इज ऑप्टिमाइज्ड। अब ये असाइनमेंट कौन का किसका होता है वो देखते हैं। तो ए में क्या करने का बच्चा, ये आप देख रहे हैं जो मैंने डार्क से रिप्रेजेंट किया है वो मेरा जीरो है, तो ए में पहला जीरो लिया, बी में फोर्थ वाला जीरो लिया, सी में आपने फर्स्ट वाला जीरो लिया और आर में आपने नेक्स्ट वाला जीरो लिया। देखिए थर्ड में दिख रहा है आपको डी और आर का मैचिंग। अभी ये जो आपने जीरो लिए ये आपकी असाइनमेंट हो गए, मतलब आपने ए असाइन किया है क्यू को, आपने ए किसको असाइन किया है क्यू को, आपने बी असाइन किया है एस को, आपने बी किसको असाइन किया है एस को, फिर आपने सी असाइन किया है जीरो को और आपने डी असाइन किया है जीरो को। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे यहां पे तो ये असाइनमेंट बन गया, ए इज असाइन टू क्यू, प्रोसेसिंग कॉस्ट जो आपको फर्स्ट टेबल से मिलेगी एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग में कि ए में क्यू की वैल्यू कितनी थी तो 25, फिर आप बोलोगे बी में एस की वैल्यू कितनी थी 21, फिर सी की वैल्यू पिलोगे आप बोलो P19 एंड डी की वैल्यू होगी आर दैट इज 34। तो दिस इज द टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग द आइटम, दिस इज द टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग द आइटम, तो टोटल कॉस्ट इन सबको ऐड करके मिलेगा दैट इज 25 + 21 + 19 + 34, आंसर आ जाता है टोटल आपका 99। कितना आंसर आ जाता है बच्चा लोगों, 99। तो ये सम था आपका मिनिमाइजेशन के ऊपर। एनी इश्यू अप टिल नाउ, तो प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स में डालिए। अभी हम लोग नेक्स्ट सम पे जा रहे हैं जो मैक्सिमाइज होता है। अब ये सम में अगर आप देखोगे ना यहाँ पे मैक्सिमाइज लिखा नहीं रहेगा, बस आपको बोल रहा है कि फाइव डिफरेंट मशीन्स कैन डू एनी ऑफ द फाइव। यहाँ पे एक बात ये ध्यान देना कि हर मशीन हर काम कर सकती है, नहीं तो आप असाइनमेंट कर ही नहीं सकते। अगर आपने पैकेजिंग की मशीन एक ही रखी है तो पैकेजिंग ही होगा उसमें, और कोई पॉसिबल ऑप्शन नहीं है। तो फाइव डिफरेंट मशीन्स कैन डू एनी ऑफ द फाइव रिक्वायर्ड जॉब्स विद डिफरेंट प्रॉफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम ईच असाइनमेंट एज शोन बिलो, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल। तो ये बन गई आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जॉब का प्रॉफिट दिया हुआ है। ये अगर आप देखोगे रैंक 5 का है, बस ये सब मिनिमाइजेशन का नहीं है, सब मैक्सिमाइजेशन का है। और जो हंगेरियन मॉडल हमने पढ़ा था बच्चा लोगों, दैट इज फॉर मिनिमाइजेशन। अब ये मैक्सिमाइजेशन के सम को मिनिमाइज कैसे करेंगे तो वो समझो। तो ये टेबल में से आप पहला मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज एकदम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए ये टेबल में सबसे बड़ा वैल्यू। तो मुझे दिख रहा है कि 5 में बी में सबसे बड़ा वैल्यू 62 मौजूद है, तो आप क्या कीजिए, ये जो 62 मिला है आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पूरे टेबल के हर एक वैल्यू के साथ। नेगेटिव मत करना, मतलब 62 माइनस दैट नंबर करना, तो कर लोगे तो पहला 32 25 22 34 22 22 38 35 41 26 ऐसा सब बन जाएगा। और वो देखोगे आप तो 5 का बी 0 बन जाएगा, बिकॉज आपने 62 माइनस 62 किया है बच्चा लोगों, तो ये बन गया आपका 0। फिर क्या है, जैसे आपका ये सम अभी मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइज में आ गया, तो वापस वही सेम प्रोसीजर। पहला आप क्या करोगे, रो मिनिमाइजेशन। कैसे करोगे रो मिनिमाइजेशन, हर एक रो के मिनिमम वैल्यू से माइनस करोगे। अभी जैसे यहां पे आप देखोगे तो फर्स्ट रो में मिनिमाइज वैल्यू है आपका 22, तो आप 32 - 22 करोगे 10 आता है, 25 - 22 करोगे 3 आता है, 22 - 22 करोगे 0 आता है, 34 - 22 करोगे 12 आता है, 22 - 22 करोगे 0। तो सेम वे से मैंने यहां पे पूरी तरह से इसका रो कैलकुलेशन किया। अभी आप पहले कॉलम चेक कीजिए, हर कॉलम में आपको 0 दिख रहा है, तो ए में मुझे 0 दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है। डी में आपको देखोगे तो लोएस्ट वैल्यू आपको 4 दिख रही है, ई में आपको दिख रहा है 0। तो ये डी के वजह से आपको कॉलम मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा, वापस टेबल बनेगी, बस खाली वैल्यू डी की चेंज होगी, बाकी किसी की वैल्यू चेंज होगी नहीं, बिकॉज वहां पे मिनिमम वैल्यू 0 है। तो जब आप किसी को भी 0 से माइनस करोगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पे मैंने इसको माइनस किया, तो आप देखोगे तो डी में हम लोग ने माइनस किया 4 से, तो 12 - 4 8, उसके बाद 15,
19 माइनस 4 15, 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 4 0, 28 माइनस 4 20. बाकी किसी में भी आप देखोगे तो डिफरेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज बाकी सब में मिनिमम वैल्यूज क्या थी आपकी, जीरो. आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं मैक्सिमम जीरो कवर करने के लिए. तो इस बार यहाँ पे देखोगे तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही होगी. पहली लाइन आपको फर्स्ट वाले में दिख रही है, सेकंड दिख रही है, फोर्थ दिख रही है और थर्ड दिख रही है. तो यहां पे अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ लाइंस आपकी है चार, बट रैंक ऑफ मैट्रिक्स इस बार चार नहीं है, इस बार वो क्या है, पांच. मतलब आपका असाइनमेंट ऑप्टिमाइज्ड नहीं हुआ है, आपको एक प्रोसीजर रन करना पड़ेगा. और ध्यान रखना ये प्रोसीजर तब तक रन होगा जब तक नंबर ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस दैट आर कवरिंग जीरो. आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना है. तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए तीन सिंगल स्टेप्स है. पहला स्टेप, जो भी आपका कवर्ड, जो भी आपका अनकवर्ड होता है पूरे, उसमें से आप लोवेस्ट वैल्यू को सर्च कीजिए. तो यहां पे अनकवर्ड जो है उसमें से सबसे लोवेस्ट वैल्यू है फोर. सबसे लोवेस्ट वैल्यू आपको दिख रही होगी फोर. ये फोर आप जो भी अनकवर्ड लाइन से, जैसे आपकी लाइन पास नहीं हो रही, उसको आप माइनस करोगे. जहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है उधर आप ये प्लस करोगे, और लास्ट में जिनके ऊपर सिर्फ लाइंस कवर्ड है उनको सेम रखोगे. तो ये स्टेप करने के बाद अगर आप देखोगे 10 के इधर मैंने 14 कर दिया, वहां पे दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है, मैंने फिर 3 को सेम रखा, 0 को भी सेम रखा. अभी आप देखोगे तो 13 जो है 2C वहां से लाइन पास ही नहीं हो रही है, तो मैंने क्या कर दिया बच्चा, उसमें एड कर दिया, 13 को माइनस किया 4, तो मेरे को मिला मेरा 9. एनी इश्यू? तो यहां तक हम लोग का ऑलमोस्ट कवर हो जाता है. अब ये प्रोसीजर के बाद मैं वापस वही करूंगा कि मैं मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करूंगा. क्या करूंगा? मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करूंगा. तो अगर आप देखोगे मैंने फर्स्ट रो में ड्रॉ कर दिया, मैंने सेकंड रो में ड्रॉ कर दिया, मैंने थर्ड में ड्रॉ किया, मैंने फोर्थ में ड्रॉ किया, मैंने फिफ्थ में भी ड्रॉ किया. तो अगर अभी आप देखोगे तो ऊपर वाले स्टेप 6 में हमारे बन गए 5 लाइन, मिनिमम लाइन जो जीरो को कवर करे वो कितने हो गए, 5. और मेरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी कितना है, 5. ये हो गए ना इक्वल बात. जैसे इक्वल हो गया तो असाइनमेंट आपका हो गया ऑप्टिमाइज. तो आप यहां से मैट्रिक्स को बना सकते हैं ये लाइंस बना के. अभी यहां से हम लोग जीरोस को कवर करते हैं. कौन सा जीरो लेंगे? तो फर्स्ट में हम लोगों ने सी वाला जीरो लिया, सेकंड में हम लोगों ने ई वाला जीरो लिया. तो मतलब फर्स्ट वन इज सी, फर्स्ट जो जॉब होता है उसको सी को असाइन कर दिया गया. सेकंड जॉब जो होता है उसको मैंने ई को असाइन किया. थर्ड जॉब होता है मैंने वो किसको असाइन कर दिया, ए को असाइन कर दिया. फोर्थ जॉब होता है मैंने वो डी को असाइन कर दिया. फिफ्थ जॉब होता है मैंने किसको असाइन किया, बी को असाइन कर दिया. राइट, ये जॉब असाइनमेंट हो गया. तो यहां पे उसी को मैं बना देता हूं कि फर्स्ट जॉब इज सी, दैट इज असाइंड टू सी, उसका प्रॉफिट था 40 रुपीज. सेकेंड जॉब मैंने ई को असाइन किया, 36 रुपीज प्रॉफिट है उसका. थर्ड मैंने ए को असाइन किया तो प्रॉफिट हो गया 40. फोर्थ मैंने डी को असाइन किया 36. फिफ्थ मैंने बी को असाइन किया दैट इज 62. ओके, तो जैसे ही हो गया तो टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 40 प्लस 36 प्लस 62. इसको आप सम अप करोगे तो आंसर आता है 214. मतलब बेसिकली मेरा टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया 214 रुपए. यहां पे बात आती है कि आपको ये समझना है कि ये हम लोग का असाइनमेंट प्रॉब्लम था. यहां पे मैं वापस आपको स्टेप्स को रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए. तो पहला स्टेप आप हमेशा करते हो, जो भी मैट्रिक्स दिया आपको मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज. मिनिमाइज करना है तो कोई इशू नहीं, मैक्सिमाइज करना है तो बड़े नंबर से आप निकालिए और उसको हर एक नंबर से माइनस कीजिए. सेकेंड, मिनिमाइज वाली टेबल मिल गई आपको, आप उसके बाद वहां पे रो मिनिमाइजेशन करोगे, हर रो से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे. नेक्स्ट आता है कॉलम रिडक्शन, वहां पे हर कॉलम के मिनिमम वैल्यू से उसी कॉलम को सब्ट्रैक्ट करोगे. फोर्थ आता है आप लोगों का, जो भी आपने कॉलम मिनिमाइजेशन से मैट्रिक्स हासिल की है उसमें जीरो की लाइंस बनाइए. जीरो की लाइंस, जीरो से पास होने वाली मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस. जैसे आप वो लाइंस भी बना देते हो जीरो से पास होने वाली मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, उसके बाद आप चेक कीजिए जो लाइंस आपने बनाई क्या वो आपके रैंक के बराबर है क्या. इज द नंबर ऑफ द लाइंस दैट आर कवरिंग जीरो इक्वल्स टू द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इफ इट्स सो द असाइनमेंट इज ऑप्टिमाइज्ड, आप असाइनमेंट दे सकते हैं. बट अगर नहीं ऐसा तो आपको एक प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा. क्या होता है वो, थ्री स्टेप प्रोसीजर है. जो लाइंस अनकवर होती है उसमें से मिनिमम नंबर ढूंढो, जो है जिसके पास से लाइन पास नहीं हो रही उन नंबर्स में से एक मिनिमम नंबर निकालिए. वो मिनिमम नंबर जिनसे लाइन पास नहीं हो रही उसमें आप माइनस करोगे,
जिनके ऊपर लाइन से पास हो रही है उसको आप सेम रखोगे, और यहाँ पे जिस जो इंटरसेक्टिंग होती है उसमें आप क्या करोगे एड, इंटरसेक्टिंग मतलब जहां पे दो लाइन्स मिलती है, बिकॉज आप लाइन्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाओगे। आफ्टर दैट ये होने के बाद जैसे ही आपका नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स आए आप वहीं पे स्टॉप करोगे, आपका असाइनमेंट हो जाएगा। असाइनमेंट करने के लिए आप जीरोस को अलॉट करोगे, जीरो को अलॉट करते समय आपको ध्यान देना एक रो में एक ही जीरो होगा तो उस रो का और उस कॉलम का जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से आप असाइनमेंट करोगे। लास्ट में आप चेक करोगे कि आपने कौन सा असाइनमेंट किसको दिया और उसमें टोटल कॉस्टिंग क्या है, वो आप असाइनमेंट लास्ट में टोटल कॉस्टिंग कैलकुलेट करके आप अपना आंसर लिख दोगे। होपफुली आपको आज का हमारा पूरा असाइनमेंट का समझा होगा। थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग SST एडुपीडिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज सीक्वेंसिंग। उसके अंदर आपको बताएंगे कि जो जॉब्स आपने असाइन किए उसको कौन से ऑर्डर में आप सीक्वेंस करेंगे ताकि आपके जॉब्स फटाफट हो सके और मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम वेस्ट हो सके। ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमर्स वालों के लिए, बिकॉज प्रोडक्शन ये सब बहुत जरूरी है सीखना। थैंक यू एवरी वन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद SST कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स।